हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्लास से हमें दशम श्रेणी मैथमेटिक्स द्वितीय अध्याय द्विघात समीकरण चैप्टर केते गुड़िए ज्ञातव्य फलाफल बा केते गुड़िए फर्मूला विषय पढ़ा। तो पूर्व क्लास रे मु तुमको कौन सी एक द्विघात समीकरण आम कि भाव में मूलद्वय समष्टि काढ़ मूलद्वयर गुणफल काढ़ शिखी एथस तो मुझको यार फर्मूला। तो मूलद्वयर समष्टि फर्मूला था माइनस बी बाय ए, दे मूलद्वयर गुणफल फर्मूला था सी बाय ए। ओके, तो आज आम प्रथम कौन करवा यार प्रथम आम उदाहरण करवा, देपर आम फर्मूला गुड़ को मन रखा। तेबे वीडियो को आरंभ करने पूर्व तुम्हें रिक्वेस्ट तुम्हें आम वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ निजर फ्रेंड मानक आम वीडियो को शेयर करूँ। तेबे आसतु आरंभ करवा आज क्लास। तो प्रथम आम कौन करवा उदाहरण चार को करवा, देपर आम फर्मूला गुड़ को शिखा। तो चैप्टर कौन आमर द्विघात समीकरण, हाँ कि नहीं? तो आम प्रथम कौन करवा उदाहरण चार क्वेश्चन को सॉल्व करवा। तो उदाहरण चार तुमने को क्वेश्चन दे ट्वेंटी फाइव एस स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स प्लस सेवेन इक्वल टू जीरो। कौन दे 25 एस स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। देन से तुम मानक कौन पचार मूलद्वयर समष्टि पचार मूलद्वयर गुणफल पचार बुझिपारे। तो क्वेश्चन कौन दे 25 एस स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू जीरो, देन तुम मानक पचार मूलद्वयर समष्टि आउ मूलद्वयर गुणफल। तो मूलद्वयर समष्टि फर्मूला कौन मूलद्वयर समष्टि, तापे फर्मूला कौन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, हाँ कि नहीं? देन मूलद्वयर गुणफल फर्मूला कौन थी मूलद्वयर गुणफल। तो आम दुईटा मूल किए अल्फा आउ बीटा, तार गुणफल के सी बाय ए। तो ये आपर क्वेश्चन रे ए के देची 25, हाँ कि नहीं? बी के बी दे देन सी के देची सी दे 7। तो बुझिपारे ए रान दे 25, बी रान दे 30, सी रान दे 7। तो मूलद्वयर समष्टि फर्मूला कौन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी मान बी रान के 30, कि जेहेतु ये माइनस चिन्ह अच्छी तो माइनस 30 हम डिवाइडेड बाय ए। तो ए रान के 25, हाँ कि नहीं? तो आंसर के माइनस 30 बाय 25। तो यह काटिले के पाँच काटिले पाँच सौ हम तीस, पाँच काटिले पाँच पंचा हो पचीस। तो आंसर के माइनस 6 बाय 5। बुझिपारे तो मूलद्वयर समष्टि तो मूलद्वयर समष्टि काढ़ आंसर के माइनस 6 बाय 5 देन मूलद्वयर गुणफल फर्मूला कौन थी मूलद्वयर गुणफल फर्मूला था अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के सी बाय ए। तो आपको सी के सी रान दे 7, देन ए रान के 25। तो आपर के पाइले 7 बाय 25। तो अल्फा प्लस बीटर मान बाहर आप माइनस 6 बाय 5, देन अल्फा इंटू बीटर मान बाहर 7 बाय 25। बुझिपारे तो आपण मैंने कौन भी द्विघात समीकरण जदि मूलद्वयर समष्टि पचार माइनस बी बाय ए फर्मूला पक आंसर काढ़े, देन मूलद्वयर गुणफल पचारे कौन करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के सी बाय ए फर्मूला पकईकि आपण मैंने आंसर काढ़ीपर। तो एवं आसतु केते गुड़े ज्ञातव्य फलाफल और फर्मूला विषय शिखा। तो कौन शिखा केते गुड़े ज्ञातव्य फलाफल बा फर्मूला विषय पढ़ा। तो आपण मैंने जानते एक द्विघात समीकरण ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो थिले, तो आपण मान मूलद्वयर समष्टि कौन बाहर अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बाय ए, हाँ कि नहीं? कौन से एक द्विघात समीकरण आपण मान मूलद्वयर समष्टि फर्मूला कौन माइनस बी बाय ए, देन मूलद्वयर गुणफल फर्मूला कौन सी बाय ए। तो यह आपण मैंने मन रखु, देन यापर आम कौन करवा फर्मूला को गोटे पर गोटे सॉल्व कर चलिबा। तो आमर फास्ट फर्मूला होउची अल्फा माइनस बीटार होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
तो यही फर्मूला कौन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो यही फर्मूला कह रहा अटे ए प्लस बी सॉरी तो यही फर्मूला कह रहा अटे ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो यही फर्मूला यही कौन कर लागू करेन यहाँ आसतु सल्व करवा तो यह लिखिपर आलफा माइनस बीटा इक्वल टू आलफा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस फोर आलफा बीटा देन यहाँ आम रुट ओवर कहीं जेहेतु ये स्क्वायर थी तो स्क्वायर जो एपड़ पलैस कौन हो रुट ओवर हो तो यह आपने भल भाव जानते देन आम लिखा आलफा प्लस बीटार होल स्क्वायर के माइनस बी बाय ए रोल स्क्वायर हाँ कि नहीं तो अल्फा प्लस बीटा ये अपने देखिए माइनस बी बाय ए तो मुझे लिखीदेली माइनस बी बाय ए स्क्वायर को स्क्वायर लिखी माइनस फोर देन अल्फा बीटा मान के सी बाय ए हाँ कि नहीं तो सी फोर इंटू सी बाय ए देन यार रूट ओवर बुझिपारे तो माइनस बी बाय ए स्क्वायर के लिखिपर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस कटिज कारण दुई थर माइनस मल्टीप्लाई हेले कटि जाए तो यह के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर देन यह के फोर सी बाय हाँ कि नहीं देन यार रुट ओवर बुझिपारे देन आम कौन करापर यहाँ आम कौन करवा जो ए स्क्वायर अच्छी आउ ए अच्छी तार एलसीएम नहीं जावा तो ए स्क्वायर आउ ए थे एलसीएम के स्क्वायर हम कहीं एक मान थे सब बड़े बृहत मान ही एलसीएम होता है तेणु मुझे ए स्क्वायर नहीं गली तो ये ए स्क्वायर को ए स्क्वायर हल्ले मोर वन आसो वन को मुझे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कले से बी स्क्वायर आसो माइनस देन ये ए अच्छी ये ए स्क्वायर अच्छी तो मुझे ए को ए स्क्वायर हल्ले मोर के आसो देन ए को मुझे फोर सी मल्टीप्लाई कले फोर ए सी आसो बुझिपारे देन एवं आपण आंसर के आसो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय ए कहीं ए स्क्वायर अच्छी तो दुई थर जो ए मल्टीप्लाई हम जो रूट ओवर उठी जो गोटे ए कौन हो कैनसल हो तुम मान गोटे ए रेन यह कैनसल हम ना तो आप आंसर कौन मिल अल्फा माइनस बीटा थे तुम मान आंसर के बाहर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय ए तो आपँ को मन रखा पड़ो जदि तुमको अल्फा माइनस बीटा के पचारे तुम मैंने कौन कह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय ए बुझिपारे तो यही भाव में तुमको फास्ट फर्मूला सॉल्व करने को पड़ो देन तुम मान सेकेंड फर्मूला कौन अच्छी सेकेंड फर्मूला अच्छी तो तुम मान सेकेंड फर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कौन हम अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा तो आम एक कौन फर्मूला पाइले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी तो यही फर्मूला को मध्य तुम्हें ऑलरेडी पूर्व क्लास में पढ़ी थो तो यही फर्मूला एठारे एप्लीकेबल है बुझिपारे देन यहाँ आपने किभ भाव में सल्व करेंगे आसत देखा तो ये आपर कौन अच्छी अल्फा प्लस बीटार होल स्क्वायर तो ये आपने जानते अल्फा प्लस बीटा हूँ के माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर हाँ कि नहीं माइनस टू अल्फा बीटार मान के सी बाय तो इंटु सी बाय ए तो ये आपर कौन हम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कहीं माइनस माइनस कटिज तो बी स्क्वायर हूँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर हूँ ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए बुझिपारे तो आपसर के आपण को कौन मिलला बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए तो यार एलसीएम नहीं जावा एलसीएम के स्क्वायर कहीं जेहेतु ए स्क्वायर बड़ अटो तेनाली एलसीएम ए स्क्वायर हम देन ए स्क्वायर को ए स्क्वायर हल्ले मोर आंसर वन आसो वन को बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कले बी स्क्वायर हे बुझिपारे देन ए को मुझे ए स्क्वायर हरि मोर ए आसो माइनस तो ये आपर कौन हम ए जो बढ़ ए को टू सी मल्टीप्लाई कले टू ए सी हम बुझिपारे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर आपर आंसर कौन आसो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बुझिपारे तो आपड़ी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब पचारे तो आपने कौन कहे बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर तो आपको किभली भाव में पढ़ा जाए तार प्रोसेस मुझे तुमको डिटेल्स बुझे दूसरी देन आपदी भी फर्मूला मन न पड़े आपड़ी भाव में कैलकुलेसन कर तार आंसर को काढ़ तो फर्मूला थ्री दे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू के तो यार फर्मूला होल्फा प्लस बीटा होल इंटु अल्फा माइनस बीटा तो
तो यार कहार फर्मूला अटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो यह फर्मूला अलरेडी जानते देन यहाँ आपड़ मैंने किभ भाव में सल्व करेंगे तो आल्फा प्लस बीटार फर्मूला कौन आल्फा प्लस बीटार फर्मूला हूँ माइनस बी बाय। तो आल्फा माइनस बीटापी आपर सूत्र कौन आल्फा माइनस बीटापी फर्मूला हो स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय ए जहाँ आम कौन करे एक नंबर फर्मूला शिखी। तो आल्फा माइनस बीटापी फर्मूला कौन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय ए देन यहाँ सल्व कर तुम आंसर के माइनस बी होल इंटु बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय के आस ए स्क्वायर हाँ कि नहीं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पे फॉर्मूला कौन माइनस बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बुझिपारे। तो आपन माने तीन नंबर फॉर्मूला को बुझिपारे जदि तुमको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पचारे तुम्हें कौन लिख माइनस बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एवं आसतु आई बी फॉर्मूला टी शिखा। तो आम चार नंबर फॉर्मूला तुमको कौन दे चार नंबर फॉर्मूला दे आई बी तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू केते। तो यहाँ फर्मूला कौन अल्फा प्लस बीटार होल क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यह फर्मूला तुम्हें जानी कहार फर्मूला अटे यह अटे ए क्यू प्लस बी क्यूरो फर्मूला जहाँ को आम कौन बोली कही था ए प्लस बी होल क्यू माइनस थ्री ए बी होल इंटू ए प्लस बी। तो यही फर्मूला आप्लिकेबल कर हाँ कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यू जगह कौन लिखा माइनस बी बाय ए होल क्यू हाँ कि नहीं माइनस थ्री अल्फा बीटार मान के सी बाय ए हाँ कि नहीं देन अल्फा प्लस बीटार मान के माइनस बी बाय ए बुझिपारे। तो अल्फा प्लस बीटा जगह मुझे माइनस बी बाय ए लिखिली क्यू को क्यू रहा माइनस थ्री को थ्री लिखिली अल्फा इंटू बीटा हूँ सी बाय ए देन अल्फा प्लस बीटा हूँ माइनस बी बाय ए बुझिपारे। देन यहाँ सल्व कले के माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू कहीं माइनस उठिलानी कारण जेहेतु एठार तीन थर आपर माइनस मल्टीप्लाई होती तेणु माइनस उठब नहीं। तो कौन माइनस बी क्यू बाय ए क्यू तो माइनस तो ये के थ्री सी बाय ए होल इंटू माइनस बी बाय ए देन यहाँ सल्व कले के माइनस बी क्यू बाय ए क्यू माइनस तो यह मल्टीप्लाई कले कौन हम थ्री सी एट आउ ये कौन अच्छी माइनस बी अच्छी तो माइनस माइनस कौन हो प्लस होन यह हम थ्री बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बुझिपारे। तो ये मुझे मल्टीप्लाई करदेली कारण जेहतु यहाँ मजे किसी चिन्ह ना तो थ्री सी माइनस बी मल्टीप्लाई कले कौन हम थ्री बी सी प्लस होने माइनस माइनस प्लस होन ए हम ए स्क्वायर बुझिपारे। तो यार एलसीएम ने के क्यू हम कहीं ना ए क्यू अच्छी ए स्क्वायर अच्छी तो बृहत मान सब कौन हुए एलसीएम हुए तो मुझे एलसीएम के गली ए क्यू नहीं गली तो ये के माइनस बी क्यू आसो कहीं ए क्यू को ए क्यू हरले वन आसो वन को माइनस बी क्यू मल्टीप्लाई कले से ही माइनस बी क्यू आसो देन प्लस देन ए क्यू को ए स्क्वायर को ए क्यू हरले के आसो देन मुझे थ्री ए बी सी मल्टीप्लाई थ्री बी सी मल्टीप्लाई कले थ्री ए बी सी आसो बुझिपारे। तो मुझे माइनस बी जदि कमन नहीं जी तुम के बी स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी होल इंटू के र क्यू बुझिपारे। तो मुझे माइनस बी को बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करी के माइनस बी क्यू हम तो माइनस माइनस प्लस होन बी को जब मुझे थ्री ए सी मल्टीप्लाई करी थ्री ए बी सी हम देन ए क्यू को ए क्यू देन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पे फॉर्मूला कौन आसा माइनस बी होल इंटू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी डिवाइडेड बाय ए क्यू बुझिपारे। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पे फॉर्मूला आप जानपारे एवं आसतु लास्ट लास्ट फॉर्मूला शिखा। तो तुमको लास्ट फॉर्मूला कौन दे तो लास्ट फॉर्मूला हो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो यह सॉल्व करले केते हबो अल्फा बीटा हबो काहेकि ना बीटा और अल्फा अच्छी मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हो देन बीटा को बीटा रहले कटिजी देन अल्फा रहइबो देन अल्फा रो स्क्वायर प्लस तो ये कौन अल्फा अल्फा कटिगले बीटा रहइबो तो बीटा को बीटा मल्टीप्लाई कले बीटा रो स्क्वायर हाँ कि नहीं। तो ये कौन आसो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे फॉर्मूला कौन थिला अल्फा प्लस बीटा रो होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा हाँ कि नहीं। तो आपने फर्मूला को कौट शिखिंट तो आपने फर्मूला को दुई नंबर फर्मूल शिखिंट तो अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे फर्मूला कौन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा।
तो आल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जगह कौन पकई पारि माइनस बी बाय ए रोल स्क्वायर हाँ कि नहीं कौन आल्फा प्लस बीटा हो माइनस बी बाय ए स्क्वायर को स्क्वायर रहा देन टू इंटु आल्फा बीटा मान के सी बाय ए हाँ कि नहीं तो डिवाइडेड बाय आल्फा बीटा मान हो सी बाय ए ओके देन यहाँ आप लिखिपारे माइनस बी बाय ए लिखिपर आम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हाँ कि नहीं देन टू सी बाय ए कारण टू को सी रे मल्टीप्लाई कर टू सी बाय ए डिवाइडेड बाय के आसब सी बाय ए हाँ कि नहीं देन यहाँ सॉल्व करले के आसब ए स्क्वायर ये ए अच्छी तो कैसे आसो ए स्क्वायर आसो देन ए स्क्वायर को ए स्क्वायर हमें वन आस वन को बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कले बी स्क्वायर आसो माइनस ये ए स्क्वायर अच्छे ए अच्छी तो आपर आंसर के आसो ए को ए स्क्वायर हमें ए आसो देन ए को टू सी मल्टीप्लाई कले माइनस टू ए सी आसो देन डिवाइडेड बाय सी बाय ए हाँ कि नहीं देन यहाँ तुम्हें लिखिपार बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटु ए बाय सी कारण यार हराई एपट गए कौन होल्टी जी देन ए बाय सी हो देन एटे ए आठ ए कटिगले आ गए कौन रे रेन तुम आंसर कौन बाहर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए आउ सी बुझिपारे तो आल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय आल्फा थी तुम मान फर्मूला कौन आस स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए सी बुझिपारे तो आपचटी जाक फर्मूला कहीदी देन यार सल्यूसन तुमको डिटेल्स बुझेदेली जदि भी तुम्हें बुझिपार आउ थे भिडियो को देखा चेषा करूँ मुझ भावुँ आपण मैंने निश्चित भाव में बुझिपार जदि भी कौन जगह डाउट आसू कमेंट बक्स में लिखु मुझ निश्चित भाव में तुम डाउट को सल्व तो आज ये पुणी देखा एक नुआ क्लास से थैंक यू बाय एंड टेक केयर।